पठान के बाद शाहरुख खान ने बनाया डबल प्लान को अपना टारगेट। जी हां, शाहरुख खान की आगे की जितनी भी स्ट्रेटेजी होने वाली है वो फिलहाल डबल प्लान पर ही होने वाली है। इसके पीछे की वजह है टाइम शॉर्टेज। दरअसल डबल प्लान से हमारा मतलब यहां शाहरुख के डबल डायरेक्टर की डबल फिल्मों से है। दरअसल पठान, एटली की फिल्म और हिरानी की मूवी इस टाइम तक आधे से ज्यादा पूरी हो जानी थी, लेकिन कोविड और शाहरुख के पर्सनल इश्यूज की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। मगर शाहरुख एक प्रॉपर रूटीन के साथ सेट पर लौट आए हैं। एक तरफ जहां शाहरुख पठान को ऑलमोस्ट निपटा ही चुके हैं, बहुत कम दिनों की शूटिंग बची है, वही अब उनका डबल प्लान है एटली और हिरानी की फिल्म पर पैरेलली फोकस करने का। जहां एक तरफ शाहरुख के दिमाग में एटली की फिल्म भी घूम रही है, वहीं दूसरी तरफ राजकुमार हिरानी वाला कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। बीते दिन पहले ही शाहरुख एटली की फिल्म का काम शुरू कर चुके हैं, तो वहीं हिरानी के सेट पर भी जोरों से काम चल रहा है और फिल्म से जुड़ी और भी कई बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। दरअसल शाहरुख खान हिरानी की फिल्म की शूटिंग अब 15 अप्रैल से करेंगे। पहले कहा जा रहा था कि वो इस फिल्म की शूटिंग मिड मार्च में करेंगे, लेकिन अब मिड मार्च में पठान के लिए शाहरुख स्पेन जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी स्टूडियो में होगी। स्टूडियो में पंजाब के गांव को रिक्रिएट किया जा रहा है। खबर है कि 31 मार्च तक सेट तैयार हो जाएगा। सेट की शूटिंग पूरी होने के बाद मेकर्स अप्रैल या फिर मई में पंजाब के खेतों में शूटिंग करेंगे। फिल्म का टाइटल अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन खबरें हैं कि इस पर भी वर्क इन प्रोग्रेस है। बताया जा रहा है कि हिरानी की फिल्म का जो मेन फोकस होने वाला है लोकेशंस को लेकर, वो मुंबई, यूके और बुडापेस्ट होगा। बुडापेस्ट और यूके के लिए शाहरुख खान अप्रैल के बाद कभी भी जा सकते हैं। बुडापेस्ट में वो फिल्म के लिए 10 दिन तक शूट करेंगे। हालांकि आउटडोर लोकेशंस पर जाने से पहले किंग खान का टारगेट है कि वो एटली की फिल्म को हद से हद तक पूरा कर ले, और इसके लिए उनके पास मार्च के कुछ आखिरी दिन और पूरा अप्रैल होने वाला है हिरानी की फिल्म के साथ। शाहरुख एटली के लिए बाहर की लोकेशंस पर कब शूटिंग के लिए निकलेंगे, इस पर अभी तक सस्पेंस जारी है। दूसरी तरफ हिरानी की फिल्म को लेकर खबरें हैं कि विकी कौशल के अलावा एक और एक्टर को मूवी में कैमियो के लिए देखा जा रहा है। इस लिस्ट में जिम सरफ का नाम सबसे आगे है। हालांकि दोनों ही नामों पर अभी कंफर्मेशन आनी बाकी है। एटली की फिल्म की स्टार कास्ट फाइनल हो चुकी है, जिसमें शाहरुख खान के अलावा नयनतारा, सानिया मल्होत्रा और सुनील ग्रोवर नजर आएंगे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।